नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आलोक अड्डा पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, एक जरूरी विषय है, विषय आपके समझ में आ रहा होगा। एक चक्रवाती तूफान भारत के पूर्वी तट से टकराने जा रहा है, जब तक आप देख रहे हो सकता है टकरा चुका हो, इसलिए हम ये मान के चलें कि यह तूफान आ गया है। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक ऐसे पत्रकार जो पर्यावरण विज्ञान समाज के उन हिस्सों पे नजर रखते हैं, सरोकार रखते हैं, जिन्हें हाशिए पे पड़ा समाज कहा जाता है। हृदय जोशी है मेरे साथ। हृदय, आपका स्वागत है आलोक अड्डा पर। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। ये जो तूफान है, जो तूफान है अम्फन, जिसका नाम है अम्फन है एम्फन है, ये तो अंग्रेज लोग कैसे नाम रखते हैं पता नहीं है, लेकिन इसको पहले कहा गया सुपर साइक्लोन होगा, उसके बाद कहा गया कि नहीं ये सुपर साइक्लोन नहीं है, इसको डाउनग्रेड किया गया है। तो पहले तो ये समझाएं कि ये सुपर साइक्लोन होना, चक्रवाती तूफान होना, इसका क्या अर्थ है? क्या खतरा बहुत कम हो गया है या खतरा कुछ कम हो गया है? तो आलोक जी देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बुलाने के लिए। जो साइक्लोन्स होते हैं वो जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है या पूरा जो डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म है उसके हिसाब से ये साइक्लोन जो है वो 5 कैटेगरीज में बांटे गए हैं। तो अभी जिस कैटेगरी में इसे कहा जा रहा है वो सुपर साइक्लोन कैटेगरी से एक कैटेगरी कम इसे बताया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इसकी स्पीड थोड़ा ये कमजोर हुआ है। मैं अपने दर्शकों को ये समझा दूं कि साइक्लोन बनते कैसे हैं। एक्चुअली जो समंदर है और जो जंगल है, ये दो सबसे बड़े सिंक हैं इस धरती के, जो धरती को ठंडा करने का काम करते हैं। तो समंदर जो इतना बड़ा सिंक है, यानी जो ठंडा करने का काम करता है, वो ग्लोबल वार्मिंग से लगातार और पारिस्थितिक स्थितियों से लगातार गर्म होते जाता है। और जब वो गर्म होता है तो उसके ऊपर की हवा जो है ऊपर उठती है मॉइस्चर के साथ, और दूसरी आसपास की हवा, ठंडी हवा जो है उसे भरने के लिए उस जगह की ओर दौड़ती है। और ये साइकिल चलते रहता है जिसमें कि बहुत सारे पानी को इकट्ठा करके साइक्लोन जो है समुद्र तट की ओर बढ़ने लगता है। और उस वक्त जब बढ़ रहा होता है तो अलग अलग विषय में अलग अलग जो मौसमी कारक हैं उसकी वजह से इसकी तीव्रता घटती बढ़ती है। तो अभी ये कहा जा रहा है कि ये कम से कम 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा ताकत से टकराएगा जो दीघा और हटिया आइलैंड जो बांग्लादेश का है, हमारा जो देश का दीघा इलाका है वो और हटिया आइलैंड के बीच में। तो यानी 150 का मतलब यह है आम दर्शक के समझने के लिए कि राजधानी जो चलती है उनकी लगभग स्पीड 150-170 किलोमीटर अगर मान लिया जाए उससे उस स्पीड के आसपास से टकराएगा। तो यानी कैटेगरी भी रखें अगर टेक्निकल शब्दों में, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये बहुत ही ज्यादा विनाशक तूफान है जो तट की ओर आ रहा है। और आगे मैं कार्यक्रम में आपको बताऊंगा इसकी विनाश लीला, जो आप चक्रवाती तूफानों की क्यों ज्यादा खतरनाक मान रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट वाले। लेकिन अभी के लिए मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि ये 1999 का जो तूफान था जो उड़ीसा को बर्बाद कर गया था, तकरीबन 9-10 हजार जान गई थी, उसके बाद का सबसे विनाशक तूफान माना जा रहा है। फिर भी हमें उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि मैंने पिछली बार मैं कई सालों से इस चीज को कवर कर रहा हूँ और कई साइक्लोन मैंने उस जगह पे खड़े होकर कवर किए हैं जहां पर वो आए हैं, चाहे वो फाइलिन हो चाहे वो हुदहुद हो, और ये काफी विनाशकारी तूफान थे। तो बहुत ऐसे कारक होते हैं अभी तक रहा है जिनमें की जब तूफान आ जाता है तो फिर उसकी सीवियरिटी कम होती है कई बार, तो हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अभी के हिसाब से ये तूफान काफी तबाही मचाने वाला है। तो आप कह रहे हैं कि तूफान काफी तबाही मचाने वाला है, लेकिन एक इस समय, क्योंकि पिछली बार भी जैसे सही बात है 1999 के तूफान का जिक्र किया आपने कि भयानक विनाश लीला हुई थी, मतलब सोच के दहशत होती है। आपने तो जाके कवर किया, हम लोग दूर से देख के भी, और बाकी शहरों में भी मौसम बदल जाता है, ऐसा लगता है कि पूरा आसपास सब कुछ बदल गया है। इस वक्त ये तूफान आ रहा है जबकि भारत पहले से कोरोना के संकट से त्रस्त है, भारत क्या पूरी दुनिया त्रस्त है, लेकिन वो राज्य जहां इस तूफान की विनाश लीला होने के आसार हैं, आशंका है, वहां के लोगों पर दोहरी मार पड़ेगी एक तरह से। हाँ, तीन महत्वपूर्ण कारक हैं जिस तरह से ये कोरोना संकट के वक्त ये तूफान आ रहा है। देखिए, कोरोना एक ऐसा संकट है जिसको जलवायु परिवर्तन के या पर्यावरण के संकटों से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन अगर अभी इस तरह की बात करेंगे तो लोग उसे मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको लगता है एक बहुत बड़ी त्रासदी है। और जब भी पर्यावरण की बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये लोग कुछ पैसा मांग रहे हैं एक ऐसी जगह में लगाने के लिए जहां लगाए जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली वजह यह है कि 3 लाख लोगों को तो सुंदरवन के इलाके से, जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में रखा गया है, और मैं कई बार सुंदरवन कवर करके आया हूं, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है पारिस्थितिकी के हिसाब से भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर में। उसका ज्यादा बड़ा हिस्सा बांग्लादेश में है और हमारे जो हिंदुस्तान में
छोटा हिस्सा है, लेकिन हिंदुस्तान में ज्यादा आबादी है, डेंसिटी हमारे यहाँ ज्यादा है। उनके सुंदरबन में जंगल है, लोग कम रहते हैं, हमारे सुंदरबन में लोग ज्यादा रहते हैं। तो उन लोगों को जब हटाया जाएगा तो कोरोना का पहला संकट तो यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो रूल है वो तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश करें आप 3 लाख लोगों के लिए बहुत वेल टू डू स्थिति आप पैदा नहीं कर सकते रहने की। दूसरी स्थिति जो होने जा रही है वो ये है, कोरोना संकट के बारे में संक्षेप में पहले मैं बता रहा हूँ, वो ये कि उत्तर, ये पूर्वी राज्यों में चाहे उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, जैसे आप अभी खुद कह रहे थे, ये पानी बहुत अंदर तक लेकर आएगा बारिश के रूप में। यानी यूपी में भी इस बरसात का बरसात होगी, इतना ताकतवर तूफान है, और दिल्ली में भी इसका महसूस होगा, आपके महाराष्ट्र में जहां पे है वहां भी महसूस होगा है? तो अब उतनी जगहों में जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस अभी तक इन राज्यों के लोगों के नहीं बिक रहे थे और ये परेशान थे, इन्होंने किसी तरह ढगा छुपा के उसे रखा हुआ है अपने मुश्किल हालात में, कम संसाधनों में, वो सब भीगेंगे और खराब होंगे। तो ये दोहरी मार है, एक तो आपको अपने प्रोड्यूस की जो एकमात्र आपकी पूरे साल की आमदनी जिससे होती है वो कीमत नहीं मिल रही थी, लेकिन अब क्या होगा कि वो खराब भी होगा, यानी उसकी क्वालिटी भी और खराब हो जाएगी। तीसरी बात यह है कि स्टेट और राज्यों का जो टसल है, क्योंकि स्टेट और राज्यों के बीच में अब एक लड़ाई शुरू हो गई है, क्योंकि केंद्र सरकार को अब ऐसा लग रहा है कि स्थिति हाथ से निकल रही है, तो वो ज्यादा से ज्यादा राज्यों से कह रही है कि आप, हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, आप संभालिए। अब राज्य पैसा मांगेंगे केंद्रों से कि भैया हमारा इतना नुकसान हो गया, केंद्र को बहुत सारा पैसा दूसरी जगहों के लिए चाहिए, तो ये लड़ाई के बीच में भी गरीब आदमी कहीं ना कहीं पिसेगा। तो तीन महत्वपूर्ण कारक अभी मैं जितना एनालाइज कर पाया हूं इस थोड़े वक्त में वो दिखाई दे रहे हैं जो कोरोना संकट को, जिसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग द प्रॉब्लम अंग्रेजी में, कि कंपाउंड मतलब प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। जी, यानी एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली बात हो गई कि एक मुसीबत से पहले जूझ रहे थे, सिर पर दूसरी मुसीबत सामने आ गई है। एक और चीज, जब आपसे मेरी बात हुई तो आपने मुझे बताया कि ये जो इस वक्त जिस तरह की फसलें हैं, बहुत सारे माइनर प्रोड्यूस जिसको बोलते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं, उसकी जो लोग उस पर निर्भर हैं, जिनका जिनकी रोजगार या जिंदगी उससे चलती है, उनके लिए भी बड़ा संकट पैदा होने जा रहा है, खासतौर पर इस वजह से क्योंकि वहां बारिश हो जाएगी, तो शायद वो जो चीजें बेचने के लिए जमा कर रखी है उन्होंने वो बेच नहीं पाएंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो सबसे बड़ी बात यह है कि साल की ज्यादातर कमाई जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस से होती है, जैसा आप सवाल पूछ रहे हैं, तो उनके एक तो उनके खराब होने का खतरा हो रहा है। दूसरा ये है कि जैसे महुआ है, महुआ के लिए सीजन था, महुआ का सीजन इकट्ठा करने का इस वक्त जो है वो चल रहा है, उसमें प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि ठेकेदार अंदर नहीं जा पा रहे हैं, उनको जाने की जो कम्यूट करने की दिक्कत है। उसके बाद तेंदूपत्ता जो बहुत बड़ी एक फसल है जिससे बड़ी कमाई का हिस्सा आता है, उस पर भी असर पड़ रहा है। उसके अलावा इमली का मौसम है जैसे, उस पर भी असर पड़ रहा है। तो ऐसी दर्जनों फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, 100 से भी ज्यादा फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं अलग अलग राज्यों में, उन सब पर असर पड़ेगा। और ये पूरे साल की कमाई है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि उनके पास और कोई तरीका नहीं होता, बाकी टाइम वो मजदूरी करते हैं या कुछ और छोटा मोटा काम करते हैं, लेकिन जो उनकी इकोनॉमी का बेस बनता है वो इन्हीं फसलों से बनता है। तो ये लोग साल भर, अब मतलब इस वक्त अगर इनके ऊपर ये मुसीबत बनी रही और इसका सही हल नहीं निकला, तो एक तरह से साल भर के लिए उनकी रोजी रोटी गई। जहां हम लोग शहरों में परेशान हैं कि 2 महीने काम बंद रहा, 3 महीने बंद रहा, वहां तो 1 साल की छुट्टी हो गई। मतलब उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए बहुत बड़ी चोट है। मतलब वो लोग इतने कम में खुश होने वाले लोग, उनको इतने करीब से मैंने देखा है कि वो सर्वाइव तो कर जाएंगे, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था की जो चोट है, यानी कि अगर उन्हें इलाज के लिए, दवाई के लिए पैसा चाहिए, उन्हें अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं खरीदनी है या उनको घर की मरम्मत करानी है, तो उसके लिए तो आपको पैसा चाहिए। और खासतौर से इंटीरियर इलाकों में लोग रह रहे हैं आलोक जी, उनके लिए बड़ी दिक्कत है। उसकी वजह यह है कि इंटीरियर इलाकों में एक तो ठेकेदार नहीं जा पाते, जो सड़क के किनारे है उसको फिर भी बार्गेन करके रेट मिल जाता है, यानी लॉकडाउन है तो भी वो दुकानदार जो है वो इमली खरीद के 20 किलो अपने दुकान के पीछे रख लेता है और शहर में जब जाता है तो बेच देता है। तो आदिवासी को दुकानदार के जरिए थोड़ा बहुत पैसा तो मिल जाता है। पर इंटीरियर इलाके में तो कमाई तभी होती है कि जब सरकार के बताए हुए ठेकेदार अंदर जाते हैं। तो ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस परचेज जो है एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है और बहुत बड़ा एक तरह से रंग वहां पर इस समय खुशहाली का माहौल रहता है, उस पे असर पड़ा। जी, तो अभी आपने हृदय बताया कि ये दीघा, पश्चिम बंगाल में दीघा बड़ी बीच है मशहूर, और बांग्लादेश इनके बीच में कहीं हिट करने जा रहा, बांग्लादेश के हटिया के बीच में हिट करेगा। लेकिन भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिन पर इनका असर बहुत ज्यादा गंभीर होने जा रहा है? जी देखिए, इस बात को जोड़ते समय मैं आपसे ये भी चाहूंगा कि हम इस बात पर डिस्कस करें कि ये वेस्ट बंगाल का जो, माफ कीजिए, भारत का जो पूर्वी तट है उस पर ही, तो आप अभी भी ध्यान दिया होगा, जो तूफान आते हैं वो पूर्वी तट पर ही आते हैं, और इसका एक बड़ा दिलचस्प एक मौसमी कारक है
टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच गई है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। इसका नतीजा आप देख रहे हैं कि हम लोग अपने अपने घरों पर बैठे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में झटके भी दे देती है। जैसे प्रकृति हमें तूफान दिखाती है, तो ये टेक्नोलॉजी झटका दे देती है। तो मेरा और हृदेश के बीच का कनेक्शन कट गया, अभी हमने वो कनेक्शन दोबारा जोड़ लिया है और अब हृदेश फिर से आ गए हैं, दूसरे कनेक्शन से जुड़े हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा था हृदेश कि वो कौन से राज्य हैं भारत के जिन पे सबसे ज्यादा असर पड़ने जा रहा है। जैसे आपने बताया कि दीघा पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में हटिया के बीच में ये हिट करेगा, लेकिन ये जगह तो ऐसा तो है नहीं कि वहीं तक सीमित रहेगा, तो काफी बड़े इलाके में असर होगा। कहाँ कहाँ ज्यादा नुकसान होने जा रहा है या होने का डर है? पहली तो बात है, मैं राज्यों के जैसे नाम बताऊं कि भारत का जो पूरा पूर्वी तट है, भारत की पूरी तट रेखा जो है वो 7,500 किलोमीटर की है, लेकिन जो पूर्वी तट का हिस्सा है वही सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है साइक्लोन पर। साइक्लोन की अगर मार हम देखेंगे, चाहे वो सुपर साइक्लोन जो उड़ीसा का जो हमारे लिए एक बिल्कुल सिग्नेचर उदाहरण है जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, और चाहे अभी जो तूफान आ रहे हैं, अच्छी बात ये हुई है जो राज्य है वो तो चेन्नई से आप शुरू करेंगे ऊपर वेस्ट बंगाल तक, तमाम राज्य प्रभावित होते हैं पूर्वी तट रेखा, यानी चेन्नई हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हिस्सा हो गया, और ऊपर जो है वेस्ट बंगाल है, तो ये पूरे राज्य प्रभावित होते हैं। अच्छी बात ये हुई है कि हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट पूरी दुनिया के साथ साथ भारत का बहुत अच्छा हुआ है पिछले 10-12 साल में, यानी अब आपके पास बहुत अच्छे अर्ली वार्निंग सिस्टम है और आपके पास मैनफोर्स ग्राउंड में है जो लोगों को और ट्रेन जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, ट्रेन है डिजास्टर मैनेजमेंट में इन राज्यों में और तमाम जगहों में, और वो आपको लाके कैंपों में ले आते हैं और जब आप स्थिति ठीक हो जाती है तो वापस चले जाते हैं। ये प्रोसेस बन गई है इन राज्यों, यानी ये सब एक प्रैक्टिस के तहत हो गया है। लेकिन जो समस्या ये हुई है कि ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ये तमाम जो चक्रवाती तूफान है इनकी इंटेंसिटी और इनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत बढ़ गई है आलोक जी। जैसे यानी इसको कहा गया था सुपर साइक्लोन, तो अब हमें कहना पड़ रहा है कि एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन है, सुपर साइक्लोन नहीं है। तो यानी ये चिंता का विषय रहता है, क्योंकि फिर आपकी प्रेडिक्शन जो है, तैयारी जो है वो प्रेडिक्शन पे डिपेंड करती है। ये हमारे साथियों को समझना चाहिए जो प्रोग्राम में सुन रहे हैं, वो ये कि पश्चिम जो बंगाल की खाड़ी है, जो पूर्वी तट है भारत का, वो दुनिया के सबसे जो विनाशक तूफानों का, चक्रवाती तूफानों का जनक है। और इसकी वजह ये है कि वहां पर जो टेम्परेचर का जो फिनोमेना है उस पूरे इलाके में, वो इस तरह का है कि वहां बहुत ही खराब तूफान उभरते हैं। आपको याद होगा, याद नहीं होगा कोई भी ऐसा तूफान जो आप बता सके कि पश्चिमी तट पर आया हो और जिसने बहुत जबरदस्त विनाश लीला कर दी हो। और अभी ये मैं क्योंकि इस बात को जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बता रहा हूँ कि वहां पर भी अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से विनाश लीला शुरू हो गई है। और 2017 में जो ओखी तूफान आया था, क्योंकि जो पूर्वी तट रेखा है वो तो बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड है, वहां पर तो लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, किलोमीटर तक आपको लोग नहीं मिलेंगे, तो पूर्वी तट में इन विनाशकारी तूफानों को हम झेल सकते हैं, हमारी हम कह सकते हैं कि भैया वी कैन यू नो बेयर विद देम। लेकिन अगर सोचिए बॉम्बे का इलाका है, गोवा का इलाका है, केरला का इलाका, जो थिकली पॉपुलेटेड शोर लाइन है, अगर उन इलाकों में अभी तक नहीं आ रहे हैं, लेकिन ओखी तूफान जो 2017 में आया था वो करीब 500 किलोमीटर अंदर समंदर में आया था, तब भी उसने 250 लोगों को मारा। सोचिए अगर वो केरला के तट पर आ जाता, जहां 50 मीटर की दूरी पर लोग रहते हैं, यहाँ 3-3 किलोमीटर तक कोई नहीं रहता, विशाखापट्टनम के तट पर आप जाएंगे या आप चेन्नई के तट पर जाएंगे गाँव में, तो दूर लोग रहते हैं, तो कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर ये ग्लोबल वार्मिंग का असर पश्चिमी तट पर शुरू हो गया, जिसकी अब जो जानकार हैं चिंता जता रहे हैं, तो हमें इसकी बहुत भारी मार देगी। तो ये तो एक तरह से अभी कह सकते हैं कि राहत की बात है, लेकिन साथ में चिंता भी दिखा रहे हैं आपकी, पश्चिमी तट पर भी शुरुआत हो गई है इस तरह के की घटनाओं की। अब तक शायद प्रकृति के मार की वजह से ही पूर्वी तट इतना, जिसको कहते हैं कि थिनली पॉपुलेटेड है, वहां भीड़ इतनी कम रही अभी तक कि ज्यादा आबादी नहीं हो पाई हो, उसकी एक वजह ये हो सकती है। और उसकी एक वजह है, मैं इसकी अपनी आजादी लेते हुए अपने अनुभव की कह सकता हूँ कि जो गरीबी है उसकी एक वजह भी साफ तौर पर देखने में मिलती है कि वहां पर इतने विनाशकारी जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। मैं आपको एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च है, और बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च है क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक की गई रिसर्च है, रिसर्च का जो महत्व है वो तभी भी पता चलता है कि आप कितने लंबे, तो 1960 से लेकर 2010 तक के आंकड़ों पर उन्होंने गहन अध्ययन किया और पूरी दुनिया के, और ये पाया कि अगर हिंदुस्तान जैसे देशों में ये प्राकृतिक आपदाएं नहीं आ रही होती, जिनमें साइक्लोन एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो भारत की जीडीपी उनके अभाव में आज 30% ज्यादा अधिक होती, मतलब जो हमारी जीडीपी आज है वो उससे 30% ज्यादा होती, मतलब हमारी जीडीपी आज जो है वो अगर तूफान ना आए होते तो 30% ज्यादा होती।
तो ये अगर उस वो रिपोर्ट कोई भी आराम से एक्सेस कर सकता है। PNAS जो इंस्टीट्यूट है, अगर गूगल में लिखेंगे PNAS इंस्टीट्यूट जो अमेरिका का है, उन्होंने ये रिसर्च किया, और मैंने अपने कई रिपोर्ट्स में जिन्हें हम डाल भी सकते हैं अपने इस प्रोग्राम के लिंक के साथ, तो वो पढ़ सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि भारत की जो 25 से 30 करोड़ आबादी है आलोक जी, वो इन समुद्र तटों पर रह रही है, उनकी उनका रहना के साथ साथ उनका जीवन यापन समुद्र तट पर है, समुद्र तट से ही वो कमाई करते हैं। तो ये 25 से 30 करोड़ आबादी जो है वो अगर विस्थापित होते रहेगी बार बार, तो भारत की सरकारों को, मतलब यानी कि अलग अलग राज्यों की सरकारों को कितना उन पर स्ट्रेस आएगा। अब जब 3 लाख लोगों को हटाना, उन्हें खिलाना पिलाना, फिर वापस पहुंचाना, फिर उनको दवाइयां करना, और उसके बाद फिर उनके टूटे हुए घरों को बनाना, ये सारा जो है, तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग का और क्लाइमेट चेंज का जो GDP से असर है वो एंटवाइंड है, मतलब वो इतना करीबी से जुड़ा हुआ है। और अब देखिए आप, ये 25 से 30 करोड़ लोग जो रह रहे हैं, उनके लिए समंदर में जाना की मनाही आपने कर दी, यानी उनके लिए तो 10 दिन का काम खत्म हो गया उनका। फिर उनकी नावें टूट जाती हैं, नावें बाहर ले जाता है, जब रेल को बांध रहे हैं, अभी मैं पढ़ रहा था खबर, तो रेलों को वहां पश्चिम बंगाल में बांधा गया है ट्रेन को, ताकि वो उड़ा न ले जाए, तो है ना, तो वो नाव की क्या बिसात है जो वहां पर है। तो कई बार ये लोग इसलिए भी अपने तटों से नहीं जाते हैं कि थोड़ी चिंता होती है कि मेरी नाव चली जाएगी तो मैं कल से क्या करूंगा। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई है इससे, और काफी महत्वपूर्ण है, जिसको हमें समझने की जरूरत है जी। तो हृदेश, बहुत आसानी से आपने बात समझा दी, और मुझे लगता है जो आदमी ध्यान से सुन रहा होगा उसको ये बात समझ में आई होगी कि ये पर्यावरण की चिंता, हम किसी पेड़ की, किसी जानवर की, प्रकृति की, हम कोई परोपकार में चिंता नहीं कर रहे हैं, ये चिंता दरअसल हमारी अपनी चिंता है, हमारी अपनी फिक्र है। अगर हम पर्यावरण की फिक्र करेंगे तो दरअसल हम अपनी फिक्र कर रहे होंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जोड़ना चाहता हूँ कि जब क्लाइमेट समिट्स होते हैं दुनिया में, जैसे पेरिस डील हुई, तो उसमें एक पूरा अलग अलग देशों के ग्रुप होते हैं, जैसे एक LDC ग्रुप होता है जिसे कहते हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, वो सबसे गरीब बेचारे देश हैं जिनकी कोई सुनता नहीं है। उस तरह से फिर LMDC ग्रुप होता है, लाइक माइंडेड जो कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज। उसी तरह से एक ग्रुप है जो स्मॉल आइलैंड ग्रुप कहते हैं। अब आपको यकीन होगा, जितने स्मॉल आइलैंड ग्रुप के नेशन है उससे ज्यादा स्मॉल आइलैंड हमारे सुंदरबन में, भारत और बांग्लादेश में। तो हमारे देशों में जो आपसी जो हर समय एक जिंगोइज्म रहता है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश और तमाम देश अगर मिलके एक ताकत बना लें, तो वो इतना सारा पैसा बचा सकते हैं और इतनी तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि इन राज्यों में, हिमालयी राज्यों में 10,000 ग्लेशियर जहां पर है, जहां पर हजारों जियोक्लाइमेटिक जोन है। भारत को आपको मालूम होगा 2017 में 6 सबसे ज्यादा वल्नरेबल इकोनॉमी बताया गया था क्लाइमेट चेंज की वजह से। उसके अगले साल जो एक और रिपोर्ट आई थी उसमें मोस्ट वल्नरेबल बताया गया था, क्योंकि भारत तो पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर है, कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी तट पर चक्रवात, कभी ग्लेशियर में केदारनाथ जैसी डिजास्टर। तो आई मीन सो दैट थिंग जो लोगों को समझना चाहिए कि वो हमारी इकोनॉमी में कितना बड़ा छेद वो कर रहे हैं। हाँ, तो ये बात लोगों की समझ में आए, इसके लिए जरूरी है कि आप लोग इस वीडियो के लिंक अपने जानने वालों से, मित्रों, परिचितों के साथ साझा करें। अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी भी बजा देंगे तो आपको खबर मिलेगी कब नया वीडियो आया, कब नया लाइव हो रहा है। और हृदयेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े, आपने जानकारी दी। अभी वो तूफान लगता है हिट कर चुका होगा। कुछ देर बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आज कल एक बार फिर इस पे चर्चा करेंगे। और इसी के साथ आलोक अड्डा में मुझे इजाजत दीजिए, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार, और अपना ख्याल रखिए।